खबर उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के कायमगंज से है, जहां दक्षिणी कश्मीर पुलवामा में रविवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कायमगंज के ग्राम नगला विधि निवासी वर्तमान निवासी दत्तू नगला के सीआरपीएफ के जवान नायब सूबेदार विनोद पाल शहीद हो गए। शहादत की खबर परिजनों को मिलते ही घर में कोहराम मच गया। वहीं विनोद पाल शहीद के बेटे योगेंद्र ने बताया कि एक्सीडेंट होने से 20 मिनट पहले पिताजी से हमारी बात हुई थी। के बाद कमांडर का फोन आया तो पता लगा कि गोली लगी हुई है, हालत गंभीर है। फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, बताया कि आपके पिताजी शहीद हो गए हैं। विनोद पाल का पार्थिव शरीर शाम 6 बजे आने की संभावना है। योगेंद्र ने बताया कि अंतिम संस्कार हमारे पैतृक गाँव नगला विधि में होगा। योगेंद्र सिंह, तो आपका मतलब यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें यहाँ कम से कम 11 से 12 साल। अच्छा, तो पापा आपकी जो दुर्घटना हुई है तो मतलब जानकारी आपको कैसे मिल पाएगी? वहाँ के कंपनी कमांडर ने मुझसे बोला, बताया था उन्होंने। क्या बोला था? उन्होंने बोला कि पापा की आपके गोली लग गई है, घायल हैं गंभीर। फिर थोड़ी देर बाद बताया कि नहीं है। अच्छा, आप अकेले हो? छुट्टी कब आए थे यहाँ पे? 22 तारीख कहाँ आए थे? कब वापस गए? 23 को वापस आए थे। मतलब एक दिन छुट्टी मिली? हाँ नहीं, पूरा एक महीने काट के 22 जून मई में आए थे। जून में चले गए, एक महीना छुट्टियाँ काट गए। क्या कोई काम के लिए छुट्टी मतलब आए थे? आज छुट्टी आए थे, मतलब मम्मी का ऑपरेशन था उसको देखने। हम लोगों ने ऑपरेशन कराया था, घर में काम है हमारा, तो छुट्टी आते रहते हैं। सर, आपकी बात कब हुई थी? हमारी बात ये कांड ये इंसिडेंट हुआ उससे दो बजे हुआ था। इंसिडेंट हुआ था 2:20 पे, मेरी बात हुई थी 2 बजे। यहाँ तक आने का सदम में कब है? अब शाम तक 6 बजे या 5 बजे के बाद। क्या कोई सरकारी अधिकारी वगैरह आए हैं? शाम को तहसीलदार साहब आए थे, उसके बाद से कोई नहीं आया। बाकी सब अभी SDM साहब गाँव गए। तो क्या मतलब भी मतलब जो है लेके जाओगे गाँव भी जाओगे अपने? ना है, यहाँ पे तो लेके आएंगे, उसके बाद फिर हमारा पार्थिव शरीर जो है वो घर पे जाएगा, वहीं अंतिम संस्कार होगा गाँव में। हमारे पूरा सब कुछ क्रियाक्रम वहीं होगा गाँव में। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।